न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लक्ष्मी शर्मा आप लोगों के साथ लाइव जुड़ी हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका मैं परिचय आपको रूबरू कराऊंगी जिसने कि अपने घर से निकलकर, अपनी जिम्मेदारियों से निकलकर, राजनीतिक बोल लीजिए या फिर समाज सेवी, एक ऐसी महिला जो राजनीति से परे कहीं बहुत आगे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋतु गर्ग की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और वो पश्चिम बंगाल की भारत माता संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी है। जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सिलीगुड़ी में रहती हैं, वो पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय प्रभारी हैं भारत माता संगठन की, और इस वक्त वो मेरे साथ हैं। आगामी 11 सितंबर, जी हाँ, आगामी 11 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने वो जा रही हैं, तो इस बारे में हम ऋतु गर्ग जी से बात करेंगे। ऋतु जी, आपको बहुत बहुत बधाई, इस तरह के कार्यक्रम आप इतने बड़े स्तर पर कर रही हैं, जरा बताएं कि क्या क्या कार्यक्रम है आपके। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह वही दिन है जब 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के लोगों को भारत की संस्कृति से अवगत करवाया था, तो संसार के लोगों ने भारत देश की संस्कृति की, भारत माता की जय जयकार की थी। वर्ष 2018 से देश के कई प्रांतों में 11 सितंबर के दिन को भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब यह दिवस भारत माता एवं अपनी माँ का अभिनंदन करने का विशिष्ट दिन है। हिंदू संस्कृति का पूरे विश्व में गुणगान हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी देशवासी 11 सितंबर के दिन को भारत माता अभिनंदन दिवस मनाएं। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा, सिलीगुड़ी के द्वारा भी बहुत ही जोर शोर से समर्थन किया गया और सभी देशवासी से आह्वान किया गया कि 11 सितंबर को अपनी माँ के सम्मान में इस विशिष्ट दिवस का आह्वान करें और सभी इस देश से ओतप्रोत कार्यक्रम अपने घरों में भी, अपने ऑफिस, दुकान, गलियों, मोहल्लों और अनेक सभी प्रतिष्ठानों में, सभी स्कूलों में करवाएं, जिससे सभी में अपने देश के प्रति प्रेम भावना बढ़े और हमारा देश उन्नति की ओर जाए। और हम सभी राजनीतिक पार्टियों, संस्थाओं, संगठनों, संवैधानिक क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी से हम आग्रह करते हैं, सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं कि 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए आह्वान करें एवं जोर शोर से समर्थन करें ताकि हम इस विशेष दिन को और विशिष्ट बना सकें। अच्छा ऋतु जी, इस बार जो 11 सितंबर आ रही है बुधवार को है, तो उस दिन के आपके सारे दिन के क्या कार्यक्रम रहेंगे, उसके बारे में हमें जरा बताएं। हमें बहुत ही खुशी के साथ बताते हुए आपको उल्लास हो रहा है कि 11 सितंबर को प्रातःकालीन सत्र है, दो सत्र में हमारा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। प्रातःकालीन सत्र में गायत्री शक्तिपीठ में 9 बजे भारत माता मूर्ति स्थापित की जाएगी और 7:30 बजे सुकांत सहनी चिल्ड्रन पार्क से हमारी शोभा यात्रा आलू चौधरी मोड़, थाना मोड़, ऐसे रोड होते हुए गायत्री शक्तिपीठ में संपन्न होगी। सायंकालीन सत्र है हमारा 3 बजे से ओतरबंग मारवाड़ी पैलेस में, जो कि हम विशिष्ट और भव्य और दिव्यता के साथ इस दिवस का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें समाज के सभी प्रमुख समाजसेवी और सभी माताएं जिन्हें हम सम्मानित करेंगे। हम 11 सितंबर को भारत माता रंगमंच प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाते हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों में भाग लिया प्रतिभागी और विजेता विद्यार्थियों को हम सम्मानित करेंगे, विशिष्ट माताओं का भी हम सम्मान करेंगे और जो समाज में अनुकरणीय भूमिका निभा रहे हैं, जिन सहयोगी हाथों ने संस्था को सहयोग दिया और अपनी संस्कृति से प्रेम का परिचय दिया, उनका भी संगठन द्वारा सम्मान किया जाएगा। हमारे संगठन के चीफ गेस्ट हैं आईजी सुधीर कुमार जी और डीपीएस के विजय कुमार साहा जी विशिष्ट अतिथि रहेंगे और श्री गंगाधर नगरी प्रिया जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सीमा सुरक्षा बल के जैज बैंड का
दिव्य और आकर्षक यहाँ प्रस्तुतिकरण रहेगा और बहुत ही मनमोहक और देखने लायक और सुनने आनंद के लायक यह प्रोग्राम रहेगा। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपना कीमती वक्त देकर कुछ समय जरूर आएं और इस भव्य और दिव्य प्रोग्राम का आनंद उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई। आपका कार्यक्रम पूरी अच्छी तरह से संपन्न और सफल हो। तो इस वक्त मैं बात कर रही थी रितु गर्ग से और लाइव जुड़ी हुई थी आप लोगों से न्यूज़ टुडे इंडिया में लक्ष्मी शर्मा सिलीगुड़ी से, एक ऐसी हस्ती जो अपने दमखम पर अपनी एक पहचान बनाई है, जो किसी का एक फ़ोन आने पर उसकी ज़रूरत को रात को भी उसकी मदद करने के लिए प्रस्तुत रहती है। वो तो पहचान है ही, लेकिन 11 सितंबर, जी हाँ 11 सितंबर को भारत माता अभिनंदन दिवस के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी तरह से आंदोलन में लगी हुई हैं, पूरी तरह से अपने स्तर पर उसको किस तरह से मां का हर माँ, हर एक बच्चे की माँ को भी वो पुरस्कृत करती हैं, उन्हें सम्मान करती हैं और माँ की अहमियत क्या है उसको भारत माता के सम्मान से जोड़कर रितु गर्ग दिखाती है। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें हम धन्यवाद करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। रितु गर्ग जी, आपको फिर एक बार बधाई और धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, और मैं संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों समेत सभी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं, जो विभिन्न राज्यों में इस संगठन के माध्यम से 11 सितंबर के रूप में भारत माता अभिनंदन दिवस मना रहे हैं और यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। और हमारे राष्ट्रपति आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भी हमारे केंद्रीय कार्यालय को अग्रिम शुभकामनाएँ प्रदान की गई हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद।